आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप पुराने जीन्स को काटकर बेबी के लिए सुंदर टॉप और स्कर्ट बनाना। और इसे बनाना मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी, जिससे अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे। इसे बनाने के लिए आपको लेना है एक जीन्स और उसे फैलाकर रख लेना है। जीन्स को आप फैलाकर रखिए और नीचे की जो मोहरी की सिलाई होती है उसे काटकर निकाल दीजिए। इस तरह आपको काट देना है। दोनों साइड से हमने इसको काट दिया। अब इसे हम उल्टा करके रखेंगे। मोहरी की सिलाई को काटने के बाद अब हमने इसको उल्टा करके रख दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आधे जीन्स को यूज करना है टॉप के लिए और आधे जीन्स को यूज करेंगे हम स्कर्ट के लिए। तो पहले हम इसको दो भाग में बांट देंगे। इसका एक भाग निकाल लेंगे अभी टॉप के लिए। यहाँ पे कट लगाया और इसको काट लिया। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह आपको इसको काटते जाना है। इस तरह हमने आधे जीन्स को काट कर निकाल लिया है। तो अभी हम आधे जीन्स को उठाकर रख देंगे, फिर इसमें हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। अब इसकी जेब को काट कर निकाल देंगे। जेब के भी कपड़े को अलग कर दिया है। अब इसकी सिलाई को तोड़ेंगे। इस तरह आपको इसकी सिलाई को तोड़ना है। इस तरफ की सिलाई को तोड़ना है और इस तरफ की सिलाई को, दोनों साइड की सिलाइयों को तोड़कर हम इसको खोल लेंगे। और जैसे मैंने सिलाई तोड़ी है बस वैसे ही आपको सिलाई तोड़ना है, जिससे आपको सिलाई तोड़ने में बहुत आसानी होगी। क्या करना है आपको, पहले शुरू की थोड़ी सिलाई तोड़िए और थोड़ी सिलाई नीचे की तोड़िए और इसको खींच दीजिए। इस तरह आपको सिलाई तोड़ना है और सिलाई तोड़कर दोनों पार्टों को अलग करना है। उसके बाद अब हम कटिंग करेंगे टॉप की। तो इस पर कटिंग करने से पहले मैं आपको पेपर पर ड्राफ्टिंग करना बता देती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये ले लिए हमने पेपर। पेपर पे हम टॉप की ड्राफ्टिंग बना लेंगे और उसी को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, जिससे कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। तो अभी मैं इसको साइड से रख देती हूँ और ये ले लिया है डबल में पेपर को। ये पेपर डबल में रखा हुआ है। अब आपको लेना है बेबी की टॉप का नाप। आप बनी हुई टॉप से नाप लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी, ठीक है, जिसमें आपको लूजिंग नहीं मिलाना पड़ेगा। सिर्फ बस मार्जिन बढ़ाना है और इसकी कटिंग करना है। तो पेपर को हमने डबल में रख लिया है। अब जितनी आप टॉप की लंबाई रखना चाहते हैं उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मैं टॉप की लंबाई रख रही हूँ 13 इंच, तो यहाँ पे निशान लगा लिया है 13 इंच पर। और मार्जिन बढ़ाएंगे हम कपड़े में और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब जैसे हम नॉर्मली निशान लगाते हैं शोल्डर का, आर्म होल का, वैसे ही आपको निशान लगाते जाना है। पहले हम नॉर्मली ड्राफ्टिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर जैसे 9 इंच है तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 4.5 इंच और यहाँ पर आर्म होल की लंबाई को रखेंगे 5 इंच और इस निशान को मिला देंगे। अब यहाँ पर रखना है आपको सीना का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें साइज है 24 इंच, 24 का चौथाई भाग होगा 6 इंच। ये निशान लगा दिए हमने 6 इंच पर और इस तरह मिलाना है। और यहाँ पर निशान लगाएंगे हम कमर का चौथाई भाग। तो ये निशान लगा दिए हमने 5.5 इंच पर। इस तरह आपको निशान लगाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। ये बढ़ा दिया 1/2 इंच का मार्जिन। तो ये ले लिया है हमने सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन को लेने के बाद अब हम इसमें 3 पार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा कि एक निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर और दूसरा निशान लगाएंगे हम 10 इंच पर, जिससे इसमें बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। इस तरह आपको निशान को सीधा करना है
उसके बाद 1 इंच शोल्डर को अंदर की साइड लेना है इस तरह। 1 इंच शोल्डर को अंदर की साइड लिया और आर्म होल को इस तरह मिला देंगे, तो आर्म होल का शेप इस तरह रहेगा। उसके बाद यहाँ पर रहेगी बद्दी, इस तरह 1 इंच की यहाँ पर बद्दी बनेगी और ये आ जाएगा गले का शेप। ठीक है, तो ये रहेगी बद्दी और ये गले का शेप, और यहाँ पर बनेगी नीचे की साइड फ्रिल, तो इसका शेप इस तरह चला जाएगा और यहाँ पे फ्रिल बन जाएगी। तो अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे और फिर यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रिल के लिए निकाल दिया और ये निकाल दिया है गले की शेप के लिए। तो इस तरह आपको इसे 3 पार्ट में करना है। अब हम इसी को उठाएंगे और जींस के कपड़े पर रख देंगे। अब हम इसको फैला लेंगे और इसका जो छोटा वाला पार्ट है पहले इसको उठाना है और डबल में फोल्ड करना है इस तरह। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की हाई डिमांड पर मैंने बहुत सारे पैटर्न तैयार किए हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज और सूट सलवार प्लाजो आदि, जो ज्यादातर सभी लोग पहनते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पैटर्न क्या होते हैं, तो पैटर्न का मतलब है कि जो भी ड्रेस के निशान होते हैं वो सारे निशान कटिंग के मैंने आपको लगा कर दिए हैं, जिससे आपको एक एक निशान याद ना रखना पड़े और फिर भी आपकी ड्रेस परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से बनकर तैयार होगी। आपको तो बस पैटर्न उठाना है, कपड़े पर रखना है और मेरे लगाए हुए निशानों पर कटिंग करना है और आपकी सेम मेरे जैसी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको निशान मैंने लगा कर दिए हैं। और पैटर्न ऑर्डर करना बहुत ही आसान है, बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आप पैटर्न से जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं और अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह मिलाकर रखेंगे और इसमें से उठाएंगे बीच के पार्ट को पहले। ठीक है, इस बीच के पार्ट को उठाया और मिलाकर यहाँ पर रखेंगे। इस तरह आपको अच्छे से मिलाकर रखना है। तो जहां पर इसकी चौड़ाई सही से बैठ जाती है उधर आपको मिलाकर इसे सेट करना है इस तरह, जिससे नीचे की साइड ही मार्जिन हो जाएगा सिलाई के लिए और ऊपर की साइड भी आपको मार्जिन लेना है इस तरह। अब चौक उठाना है और सेम निशान बना लेना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और सेम कटिंग करके इसको निकाल लीजिए। इस तरह आपको एक साथ दोनों पार्ट मिल जाएंगे। उसके बाद अब उठाएंगे दूसरे पार्ट को इसके और इसको भी डबल करके रखेंगे और इसके फ्रिल वाले पार्ट को इस तरह फैलाना है और इसी के बराबर से आपको जितनी इसकी चौड़ाई है उसी के हिसाब से सीधी पट्टी चौड़ाई से निकालना है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसकी चौड़ाई का आपको कैसे पता करना है। ठीक है, तो फ्रिल को उठाइए और इस तरह देखिए कि ये हो गई इसके बराबर से। अब इसको एक बार फिर पलटना है तो ये इसके बराबर से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्जिन थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इसको खिसका देना है और देखना है कि जहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाए। तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे आप, इस तरह देखा और यहाँ पे एक निशान बना दिया। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। उसके बाद फिर हमने इसको पलट दिया तो यहाँ पर भी कम मार्जिन है, तो इसको इस तरह फैला कर रखेंगे। जहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाता है बस उसी के पास से आपको निशान लगाना है। यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया और यहाँ पे निशान बना दिया और फिर यहाँ पर निशान बनाया और यहाँ पर भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन मिल जाएगा। इस तरह आपको चेक करना है, जिससे दोनों फ्रिल एक साथ निकल आएंगी। तो अब हमने इसको फैला कर रख दिया और इसी के पास से आपको सीधा निशान लगाना है। इस तरह हम निशान बनाते जाएंगे। इसके बराबर से निशान बनाने के बाद यहाँ पर हम फ्रिल के लिए 10 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो ये 2 इंच यहाँ पर हो गया। ठीक है, जो निशान लगा था ये कमर के बाहर वो 2 इंच है और 8 इंच बढ़ा लेंगे हम यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा हमें 10 इंच।
ये 10 इंच बढ़ा दिया है हमने फ्रिल के लिए, जिससे इसमें बहुत अच्छी फ्रिल आ जाएगी। अब बस इसी के बराबर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जितना हमारा ये निशान है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। बस इसी कपड़े को काट कर निकाल लेना है और फिर इसको बीच से काट देंगे, जिससे एक साथ हमारी दो फ्रिल आ जाएंगी। और ये पॉकेट जो बीच में आ रही है उसके धागे को काट कर हम निकाल देंगे। अब इसके धागे को काट देंगे। अब इस कपड़े को डबल करेंगे और इसके बीच के जॉइंट को खोल देंगे। तो ये हो गई है इसकी फ्रिल। अब उसके बाद निकालना है हमें बद्दी के लिए कपड़ा। तो इस तरह आपको कपड़े को डबल में फोल्ड करना है। तो अब उठा लिया हमने इस पेपर को, जिसकी साइज के हिसाब से हम बद्दी की लंबाई रखेंगे। तो इस तरह रखना है, ठीक है। एक निशान हमने ये बना लिया और इसको फिर पलट दिया इसी निशान से। तो ये बद्दी की लंबाई बराबर से मिल गई है और ये एक्स्ट्रा जो लंबाई है वो हो जाएगा सिलाई मार्जिन में, ठीक है। तो इस तरह आपको बद्दी निकालना है। बद्दी की चौड़ाई कैसे निकालना है, जैसे एक इंच की बद्दी बनाना है तो यहाँ पर उसकी चौड़ाई रखना है आपको 3 इंच, जिससे डबल में ये 1 इंच की तैयार हो जाएगी। अब आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है। 1 इंच की बद्दी के लिए हमने 3 इंच की चौड़ाई क्यों ली। 1 इंच की पट्टी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर इसकी चौड़ाई 3 इंच रखना है, क्योंकि 1 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी जिसमें 2 इंच कपड़ा चला जाएगा और आधा इंच सिलाई मार्जिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई को 3 इंच रखा है। तो ये हो गई है दोनों इसकी बद्दियां। अब हम सिलना इसे शुरू करेंगे। तो ये है ऊपर की टॉप और ये है नीचे की इसकी फ्रिल। अब मैं आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ। ये है इसकी फ्रिल और ये आएंगी ऊपर की साइड बद्दियां। तो पहले सिलाई हम टॉप में डालेंगे, इसके एक पार्ट को उठाएंगे और इस तरह डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को। पहले थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है और फिर 2 पॉइंट दबाते हुए इस तरह फोल्ड करिए और किनारे से इसमें सिलाई डालिए। इसकी किनारे से सिलाई डाल देंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि 1 इंच चौड़ी एक पट्टी लगाना है, जिसमें हम डिजाइन के लिए बटन को यहाँ पर लगा देंगे, जिससे इसमें सुंदर लुक आ जाएगा। तो ये बचे हुए कपड़े से हम एक पट्टी निकाल लेंगे इसी के बराबर से। तो इसी के बराबर तक हमें इसकी लंबाई रखनी है, जितनी टॉप की साइज है बस इसी के बराबर तक पट्टी को रखेंगे और एक्स्ट्रा को काट कर निकाल देंगे। अब इस पट्टी को इस तरह सेट करेंगे। आधा इंच कपड़े पे सिलाई आपको इस साइड से डालना है और दूसरी साइड से भी आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई डालेंगे। एक सिलाई इस साइड से रहेगी और एक सिलाई इस साइड से रहेगी, बीच में ही पट्टी बन जाएगी। तो इस तरह आपको पट्टी जॉइंट करना है। पट्टी जॉइंट करने के बाद अब आपको आर्म होल में सिलाई डालना है। इस तरह फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको फोल्ड करते जाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। इस तरह आपको आर्म होल में सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह आपको टॉप को तैयार करना है। अब इसी तरह आर्म होल में सिलाई हमें इस वाले में डालना है। ये जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हम सिलाई डालेंगे इसी तरह। इस तरह कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई डाल देंगे।
इस तरह आपको पीछे के पार्ट को तैयार करना है। उसके बाद अब हम तैयार करेंगे पट्टियों को। तो बद्दी बनाने के लिए आपको कपड़े को डबल फोल्ड करना है और आधा इंच के हिसाब से सीधी स्लाइस में डालना है। इस तरह आपको दोनों बद्दियों को तैयार करना है। अब किसी नुकीली चीज से इसको सीधा करना है। इस तरह आपको दोनों बद्दियों को तैयार करना है। अब बद्दियों को हम साइड से रख देंगे और इसमें फ्रिल ज्वाइंट करेंगे। अब हमने उठा लिया है फ्रिल के लिए कपड़ा। एक साइड से आपको रखना है और इसमें फ्रिल बनाते जाना है। इस तरह तो बराबर से मिलाना है और इसमें फ्रिल बनाते जाना है। तो इस तरह आपको इसमें फ्रिल बनाना है। अब इसी तरह फ्रिल हम दूसरे पार्ट में बनाएंगे। अब हमें इसमें भी बनाना है तो दूसरे कपड़े को उठाएंगे और मिलाकर रखते हुए इसमें भी फ्रिल बना देंगे। तो इसी तरह फ्रिल हमने इसमें भी बना दी है। अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड इसमें सिलाई डालना है। थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। यहाँ पे हम डबल कपड़े को फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए बस एक बार ही कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको फ्रिल के नीचे की साइड सिलाई डालना है। इसी तरह सिलाई हमने इसमें भी डाल दी है। इसको कंप्लीट कर दिया है। अब आपको उठाना है बद्दियां हैं। ये ले ली हमने दोनों बद्दी। अब एक को इस तरह रखेंगे और बीच में रखेंगे बद्दी को इस तरह मिलाकर। आर्म होल के बिल्कुल पास से आपको बद्दी को मिलाना है, ठीक है, इस तरह। और इसमें दो सिलाई डालना है। एक सिलाई आपको इसी सिलाई के ऊपर चलाना है, जो हमने सिलाई डाली थी ना पहले, उसी के ऊपर चलाना है आपको। और दूसरी सिलाई आपको इस किनारे से चलाना है जिससे बद्दी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिर आपको यहाँ पर मिलाकर रखना है इस तरह। आर्म होल के बिल्कुल पास से मिलाया और आधा इंच पट्टी को अंदर की साइड किया। एक सिलाई इधर डलेगी और दूसरी सिलाई इधर डलेगी। इसी तरह हम दोनों बद्दियों को सेट करेंगे। बस अच्छे से मिलाकर पकड़ना है और दोनों में सिलाई डालना है। पहली सिलाई हम इसमें डाल देंगे, उसके बाद सिलाई इसमें डाल देंगे। तो इस तरह आपको दोनों बद्दियों को सेट करना है। सेट करने के बाद अब इसको पलटना है और साइड की सिलाई डालना है। इस तरह मिलाकर पकड़ेंगे और इसमें सिलाई डाल देंगे। ये सिलाई आधा इंच के हिसाब से डालेंगे। जितना हमने कटिंग करते समय मार्जिन लिया था बस उतना ही यूज करना है। तो बस मिलाते हुए आपको इसमें सिलाई डालना है। इसमें मैंने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब हम इसको पलट कर सीधा कर देंगे। तो इस तरह एक सुंदर सी बेबी टॉप बनकर कंप्लीट हुई। अब इसमें सुंदर सा लुक देने के लिए हम इसमें लगा देंगे 3-4 बटन। इस तरह आपको बटन लगा देना है जिससे इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। तो टॉप बनाने के बाद अब हम बनाएंगे स्कर्ट। तो अब मैं टॉप को अलग रख देती हूँ और बची हुई जीन्स को उठा लेते हैं। तो अब मैंने आधा बचा हुआ जीन्स को उठा लिया है और इसको फैला के रख दिया है। अब पहले इसके बेल्ट को काट कर निकालेंगे, उसके बाद दोनों साइड की सिलाई तोड़ेंगे। बेल्ट काटने के बाद अब आपको सेम आइडिया से इसकी सिलाई तोड़ना है। तो इसकी मैंने दोनों साइड से सिलाई तोड़ दी है और पीछे की पॉकेट को भी निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट को पहले रखना है सीधा। इसको हमने सीधा फैला के रख दिया है। अब बेबी की जो भी हिप साइज है उसका आपको चौथाई भाग लेना है, ठीक है। जैसे कि इसमें है 23 इंच, तो ये हमने फिक्स लगा दिया 23 इंच पर निशान। और इसमें 4 इंच बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा और 1 इंच का लेंगे इसमें मार्जिन। तो ये 4 इंच की लूजिंग हो गई है, 1 इंच का मार्जिन हो गया। और एक सीधी पट्टी काट कर निकाल लेंगे।
अब यहाँ पे इसकी जो भी चौड़ाई है उसी के हिसाब से आपको एक सीधी पट्टी निकालना है। इस तरह मिलाकर रखेंगे और जितनी चौड़ाई इधर है उसी के हिसाब से हम निशान लगाते जाएंगे। मार्जिन की कपड़े को भी आपको इस तरह निकाल लेना है। बस इस तरह आपको निशान लगाना है और सीधे कपड़े को काट कर निकाल लेना है। इस तरह आपको एक सीधी पट्टी मिल जाएगी। उसके बाद अब जो पीछे का पार्ट बचा हुआ है इसमें से भी हमें एक सीधी पट्टी निकालना है। तो इस कपड़े को आपको पलट कर इस तरह रखना है, डबल में फोल्ड करके, और सीधे कपड़े को काट कर निकाल लेना है। इस तरह आपको सीधा निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। इस तरह आपको घेरा के लिए कपड़ा मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसका घेरा और बढ़ाना तो आप बचे हुए कपड़े को इसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं। इस तरह यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे तो कपड़े की साइज और बढ़ जाएगी। तो इसमें हम इसको जॉइंट कर देंगे जिससे फ्रिल और ज्यादा बन जाएंगी। तो पहले हम इसके जॉइंट लगा लेते हैं। तो इस तरह आपको इसमें जॉइंट लगाना है और इस कपड़े को दो भाग में अच्छे से बांट देना है। उसके बाद फिर आपको नीचे की साइड इसमें सिलाई डालना है। थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है और इसमें सीधी सिलाई डाल देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को सीधा रखना है और इस कपड़े को उल्टा रखना है। इस तरह मिलाते जाइए और यहाँ पर फ्रिल बनाते जाइए। तो चलिए मैं आपको मशीन पर दिखाती हूँ। तो इस तरह आपको इसमें फ्रिल भरना है। फ्रिल भरने के बाद अब आपको इसको पकड़ना है और इसको डबल फोल्ड करना है और बस इस तरह मिलाते हुए इसमें आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको बस मिलाते हुए इसमें सीधी सिलाई डालना है। सीधी सिलाई डालने के बाद अब आपको इलास्टिक के लिए ऊपर के कपड़े को फोल्ड करना है। तो पहले क्या करना है, आपको थोड़े से कपड़े को पकड़ना है और अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह अब यहाँ पे आपको साइज रखना है जो भी आपकी इलास्टिक की साइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इंच कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इस तरह आप चेक कर लीजिए और उसी के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करिए और बस इसके किनारे से सिलाई डालते जाइए। और जब आप पूरी सिलाई को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर एक इंच का गैप छोड़ दीजिए जहां से इलास्टिक पास की जाएगी। तो इतना हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पर सिलाई डालना है और यहाँ पर गैप छोड़ना है। अब यहाँ से इलास्टिक को पास करेंगे। अब आपको क्या करना है कि जितनी भी बेबी की कमर में इलास्टिक कंफर्टेबल आती है उतना आपको काट कर निकाल लेना है, या फिर आप चाहें तो जो भी कमर की साइज होती है उसमें इलास्टिक को 3 इंच कम करिए और काट के निकाल लीजिए। इलास्टिक में आपको सेफ्टी पिन लगाना है और सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को डाल देना है। इस तरह आपको इलास्टिक डालना है। इलास्टिक डालने के बाद अब आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई डालना है। तो इस तरह इलास्टिक को पकड़िए और इस पर 2-3 स्ट्रॉन्ग सिलाई चला दीजिए और सिलाई डालने के बाद फिर आपको इलास्टिक अंदर करना है और इस गैप को बंद करना है। इलास्टिक पर सिलाई डालकर हमने इसको बंद कर दिया है। अभी स्कर्ट बनकर कम्प्लीट हो गया। अब इसमें सुंदर सा लुक देने के लिए मैंने बनाई है एक बटरफ्लाई और उसमें पोम पोम भी लगा दिए जिससे इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। और बस यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। और ये बनाना तो पहले मैंने आपको सिखाया है, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पर जाकर इन वीडियो से सीख सकते हैं। तो इसमें मैंने बटरफ्लाई को जॉइंट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जीन्स को काट कर कितना सुंदर बेबी के लिए टॉप और स्कर्ट बनकर कम्प्लीट हो गया। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए
कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।